दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियोस में, जिसकी आप कमेंट कर रहे थे, जो कि आप डिमांड कर रहे थे। हम इसमें बात करेंगे कि आपके बीएड में एक फाइल बनानी होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज़, इसके ऊपर एक नोट्स और फाइल बनानी होती है। दोस्तों पहले को करिकुलम एक्टिविटीज़ होता क्या है? देखिए, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ चलती हैं आपके स्कूल में, जो कि बच्चों के लिए फ़ायदे होता है, वो को करिकुलम स्टडीज़ होता है, को करिकुलम। अब उसी एक्टिविटीज़ पे आपको एक फ़ाइल लिखना है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इसी फाइल को देखेंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए दोस्तों सीधे चलते हैं उस फाइल की तरफ। आप बस एक छोटा सा काम करिएगा, एक बार इस फाइल को पूरा हम देख लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का ऑप्शन दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? तो पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि फाइल में लिखना क्या, समझते हैं, ठीक है? समझ के अपनी भाषा में लिखेंगे, ओके? तो आइए चलते हैं सीधे उस पीडीएफ की तरफ, उस फाइल की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि इस पाठ्य सहगामी क्रिया में आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे पाठ्य सहगामी गतिविधियों का अर्थ क्या होता है, मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, एवं इसके संगठन के सिद्धांत क्या हैं, और विभिन्न सहगामी क्रियाएं जैसे प्रार्थना सभा, खेल, शिविर और समूह, परेड, व्यायाम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? उससे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, प्रस्तावना से। प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से हमने फाइल शुरू करी, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप एज़ इट इज़ यही लिखें, ठीक है? आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, बस आपको ये समझ लेना कि आपको इसमें लिखना क्या। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद नीति निर्माताओं ने अंग्रेजों द्वारा निर्मित कुलीनवादी शिक्षा प्रणाली को जन सामान्य तक उस शिक्षा प्रणाली में बदलने के लिए कठिन परिश्रम किए, जो सामान्यता एवं सामाजिक न्याय पर खड़ी की। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हमारी शिक्षा व्यवस्था में, जैसे मान लीजिए वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार का विचार देते हुए इसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, ठीक है? और इसी प्रकार से 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। साथ ही साथ हमने कई बार ऐसे जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2000 चलाया। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। आज हमारे भारत में तेज़ी से विकसित हुई, हमारा तेज़ी से शिक्षा व्यवस्था विकास हुआ, और आजकल सभी लोग शिक्षा के लिए क्या हुए, जागरूक हुए। अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि उपयुक्त एवं शिक्षित व्यक्तियों वाले शक्तिशाली मानव संसाधन के विशाल समूह के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवपूर्ण स्थापना प्राप्त हुई। हमारा देश आज क्या हुआ, अब सारे लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर क्या हुआ, चेंजेस हुआ। जैसे कि आज़ादी के समय हमारी साक्षरता दर कितनी थी, केवल 12%, जबकि 2011 में कितनी थी, 74%। वहीं केरल राज्य की बात करें तो उस समय 93%, अभी फिलहाल तो 100% हो गई है, केरल एक राज्य की साक्षरता दर, ठीक है? तो आपने इस तरीके से लिखा। आगे लिखा कि पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास को संतुलन प्रदान करती हैं। पाठ्य सहगामी, पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाएँ चली जाती हैं, पाठ्य सहगामी गतिविधियों में बालक अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार प्रतिभाग करता है, ठीक है? जिसके कारण बालक में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व के गुण जैसी व्यक्तित्व गुणों का विकास होता है। तो आपने पाठ्य सहगामी के बारे में बता दिया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम चलेंगे फिर अगले पॉइंट की तरफ। बालक पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से स्वयं को शिक्षण के साथ ही चारित्रिक गुणों के की निपुणता आती है, जैसे मान लो झूठ नहीं बोलना। अब ऐसा नहीं किसी से लड़ाई कर लेना, क्रिकेट खेल रहा है लड़ाई के लिए नहीं, वो भी आपका दोस्त है, एक सहयोग, बर्दाश्त की भावना, टॉलरेट, ये सारी चीज़ें क्या करता है, एक बालक सीखता है। अब आइए, कोठारी आयोग 1984-98 के अनुसार शिक्षा के साथ साथ ही छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से नेतृत्व कौशल एवं व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संरक्षित एवं संबंधित किया जाता है, और विद्यालय में शिक्षा संचालन के लिए शिक्षण और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उपकरण के रूप में प्रयुक्त करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो आपने इसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में लिख लेना है। ये कंटेंट आप अभी स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, या फिर आपको हूबहू आपको नेट से मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ क्या होता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं का क्रियाकलापों से है जो छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करने में शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है, ठीक है? इनमें छात्र अध्यापक के मार्गदर्शन में कुछ उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित विधि से संपन्न करता है। सहगामी क्रियाओं का महत्व क्या है भैया, विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
इन क्रियाओं के महत्व को नीचे लिखे बिंदुओं के से स्पष्ट किया जा सकता है। अब महत्व क्या क्या है देख लीजिए। मूल प्रवृत्तियों का शोधन अर्थात और मार्गंतर मतलब यहाँ पे स्थानांतरण, मूल प्रवृत्ति का संशोधन मतलब हमारे अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती है जैसे गुस्सा, प्रेम, इमोशंस, तो ये सारी इनका संशोधन करना, गुस्से पे कंट्रोल करना, सहयोग की भावना, ज़्यादा इमोशनल रोना धोना नहीं, इन पे क्या होता है संशोधन होता है। सामाजिक भावना का विकास, ये सब किसके किसके महत्व है बच्चों, ये सब महत्व है पाठ सहगामी क्रियाओं के। तो जब आप फाइल में हेडिंग डालेंगे पाठ सहगामी क्रियाओं को, तो आप इन पॉइंट को लिखेंगे, और ये वो सारे पॉइंट है जिसको आपको देखने की जरूरत नहीं, आप खुद से एक बार समझ जाएंगे तो खुद से लिख लेंगे। तो नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना, आवश्यकता के समय सदुपयोग, अवकाश का सदुपयोग करना, ठीक है, व्यक्तित्व एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, अनुशासन स्थापना करने में सहायता, मानवीय गुणों का विकास, मनोरंजन के स्वरूप साधन जुटाना, और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, प्रैक्टिकल मतलब और बिहेवियरल नॉलेज, ठीक है, प्रदान करना। समझ में आ गई बात, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व आप लिख लेंगे, अभी मैं बताऊंगा तब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब विद्यालय के लिए क्या फ़ायदा है, अगर आप पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करा रहे हैं तो विद्यालय के लिए इसका महत्व क्या है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, बच्चा पढ़े पढ़े थक जा रहा है, स्पोर्ट्स क्लास लाइए, देखिए कितना एक्टिव हो जाता है। विद्यालय के वातावरण की आकर्षक और ऊर्जापूर्ण बनाती है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय को समाज के निकट लाती है, शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाती है, छात्रों को अंतर्निहित शक्तियों की पहचान करने में सहायता। अब मान लीजिए किसी बालक को सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, स्विमिंग ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, तो वो उसकी जो अंदर की एबिलिटीज है उसको पहचान किया जाता है। समाज के लिए क्या फ़ायदा है भैया पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, समाज को सभ्यता व संस्कृति की शिक्षा, ठीक है, बच्चे के अंदर बताया जाता है क्या ये समाज और सभ्यता की शिक्षा दी जाती है, सामाजिक मूल्यों का विकास, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की पाठ, ठीक है, जागरूकता एवं सजगता, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, नेतृत्व गुणों का विकास कर समाज व राष्ट्र को कुशल नेता प्रदान करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अब महत्व, अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं उसके बारे में। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अनेक प्रकार के आदर्श तथा साथ बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है, आपको इतना चाहिए। अब आइए हम जिस पॉइंट की बात कर रहे थे, आखिर वो पॉइंट क्या क्या है। तो सहगामी क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से भैया, किसी भी विद्यालय में अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विकास किया जा सकता है, इन सभी प्रकार की क्रियाओं के वर्ग में बांटा। कौन सा, पहला शैक्षिक क्रियाएँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ उसकी कुछ शैक्षिक क्रियाएँ जैसे साहित्य परिषद, विज्ञान कला क्लब, भूगोल परिषद, वाणिज्य परिषद इत्यादि। शारीरिक क्रियाएं जैसे कि सामूहिक खेल, परेड, तैरना, साइकिल रेस, नाव चलाना, एनसीसी आदि, तो ये शारीरिक क्रियाएं हो गई। साहित्यिक क्रियाएं जैसे कि वाद विवाद, सिंगिंग, डांसिंग, कला, ये सारी चीज़ें साहित्यिक, ठीक है, संगीत या कला क्रियाएं, ठीक है, शिल्प कला मतलब कुछ बना के दिखाना, सिलाई कढ़ाई मेहंदी बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये शिल्प कलाओं के अंतर्गत क्रियाएं हैं। बस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखेंगे कितना अच्छा बनाया गया आपके लिए। सामान्य क्रियाएँ जैसे भ्रमण, पिकनिक, मार्ग, पर्यावरण, बाल चर, स्केटिंग, शिक्षा प्राथमिक आदि, ये सारी चीज़ें। अन्य क्रियाएँ जैसे कि टिकट, सिक्के संग्रह मतलब कुछ बच्चे तो टिकट कलेक्ट करते हैं, फोटोग्राफी, एल्बम बनाना, डायरी लेखन, सफाई व स्वच्छता, ये सारी चीज़ें हो गई। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व की फिर वही बात की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, आपको फाइल लिखने में आसानी होगी। व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। अब व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति में आप क्या लिखेंगे, उसकी रुचियों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक है, आप उसके बारे में लिखेंगे। नेतृत्व की भावना आती है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है व्यक्तित्व के विकास के बारे में। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में फिर से वही बात होगी, समाज की जानकारी, संस्कृति की जानकारी, सभ्यता की जानकारी, समाज को बेहतर बनाना, समाज को समझना, समाज में अपना योगदान देना, ये सारी चीज़ सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है जब आप पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करते हैं। नागरिक परीक्षण मतलब अब एक अच्छा नागरिक बनना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, एकता, ये सारी चीज़ें क्या है, नागरिक परीक्षण, ये सर। किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, अब इसमें क्या हुआ, खेल मनोरंजन का साधन, खेल का साधन, ठीक है, अपने अंदर की प्रतिभाओं को जानना, ये हेडिंग आप देखिए, बस हेडिंग देखिए, बाकी लिखना तो आपको अपनी समझ में, बाकी अपने हेल्पफुल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शारीरिक विकास में आपने देखा शक्ति, हाँ, ये सारी चीज़ें, हस्त, अभी शारीरिक विकास का मतलब बालक सक्रिय होते हैं, खेल कूद व्यायाम आदि से उनके शारीरिक हस्त पुष्ट मांसपेशियाँ सबल होती, मजबूत होती,
ठीक है। अब चलिए, नैतिक गुणों का विकास, उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास आता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, इन सारी चीज़ों का क्या होता है। अब देखिए, इन क्रियाओं से बालकों में सत्यता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, ये सारी चीज़ें, आज्ञा पालन, अनुशासन बनना, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, विकास होता है। विशेष रुचियों का विकास होता है, अनुशासन के अनुकरण, सहायता, ठीक है, क्योंकि खेल में या फिर किसी भी क्रिया में अनुशासन का बड़ा महत्व है, तो इससे बच्चे अनुशासन सीखते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया नैतिक दृष्टि से महत्व। अब आइए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन के सिद्धांत के रूप में देखते हैं क्या है। तो विद्यालय कार्यकाल में ही इनका संगठन हो, अब ऐसा नहीं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ ऐसे दे दें कि विद्यालय आपकी कोर्स खत्म हो गई और आप क्रियाएँ करते रहें, नहीं, तो विद्यालय कार्यकाल के ही इनका संगठन हो। दूसरा है छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग हो, ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिया उसमें टीचर ही सारा कुछ किए जा रहे, नहीं, उसमें विद्यार्थियों का अधिक से अधिक सहयोग हो, विद्यार्थियों का अधिक से अधिक कार्य किया जाए। शिक्षा और विद्यालय के उद्देश्य का ध्यान में रख के रखा किया जाए, ठीक है, उचित योजना का निर्माण किया जाए, मतलब अच्छे से योजना बना के आप पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करें। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अध्यापकों के कार्य का अंग माना जाता है, ठीक है, अध्यापकों के इन कार्यों के विषय में यह ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम का अंग, अतः इनके कार्य, मतलब टीचर को क्या करना है, गाइड करें, अध्यापक देख लीजिए, अध्यापक केवल मार्गदर्शन करें, उनको गाइड करें, इनको इंस्ट्रक्ट करें, कार्य किसको करने दे, विद्यार्थियों को करने दे, उचित चुनाव कि किसको क्या करना है, उचित चुनाव, मान लीजिए छोटे बच्चे को आपने दे दिया कि पहाड़ उठा, वो नहीं करेगा ना, तो उचित चुनाव करें। चलिए, अब हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी आउटडोर सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, कौन कौन से आउटडोर सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, ठीक है। तो पहला है सामूहिक परेड, लेफ्ट राइट करना, ये सामूहिक परेड हो गया। सामूहिक ड्रिल आई थिंक कुछ दौड़ने से संबंधित है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा, शायद रेस की बात हो जाए। योग अभ्यास, योगा करना, ठीक है, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, साइकिल चलाना, बागबानी करना, ये सब क्या है बच्चों, आउटडोर से शैक्षिक गतिविधियाँ हैं। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, खो खो, हाथ गेंद और लंबी पैदल यात्रा, सामूहिक प्रार्थना, सुबह की सभा, पड़ोस में समाज सेवा, SUPW कैंप, मतलब सीवेज जाता है ना कहीं दूसरी जगह पर। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें से आपका फेवरेट कौन सा खेल है, या फिर आपका आपका जो भी सहगामी क्रियाएं हैं उसमें आपका सबसे फेवरेट कौन सा। आई एम सो पैशनेटेड अबाउट वॉलीबॉल, मतलब मेरा फेवरेट है आज, हालांकि मैं अभी नहीं खेल पाता हूँ, बिकॉज आई हैव इंजर्ड, यू नो, मेरे शोल्डर पर थोड़ा सा इंजरी है, मैं नहीं खेलता हूँ, आई गेट पेन हियर, लेकिन मैं देखता हूँ, मतलब आई लव दिस वॉलीबॉल, ओके। सो ये हो गई पाठ्य सहगामी के लिए। अब आइए इंडोर सह शैक्षिक गतिविधियाँ क्या होंगी भैया, घर के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि नाटक, ओके, नाटक तो भाई आप तो मास्टर होंगे नाटक करने में, है कि नहीं, आपने कौन कौन सा नाटक किया, कितने लोग आप में से नाटक में प्रतिभाग कर चुके हैं। मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ नाटक में, मगर बहुत कम मैंने प्रतिभाग किया है। सो नाटक हो सकता है, इंडोर एक्टिविटीज़, संगीत या नृत्य, बिल्कुल नहीं, मतलब आई हेट दिस वन, डांसिंग, सीरियसली, ओके, चित्रांगन, मतलब रंग बनाना, चित्र बनाना, सजावट, क्ले मॉडलिंग, यू नो, मिट्टी से कुछ बनाते हैं आजकल बच्चे, सिलाई, रंगोली बनाना, स्कूल पंचायत का आयोजन, कला एवं शिल्पादि, तो ये वो हैं जो इनडोर शैक्षिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, क्लासरूम के अंदर हो सकती हैं, घर के अंदर हो सकती हैं। अब आइए, अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप चाहे तो इसको मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरे इंटर्नशिप कार्यक्रम में यहाँ पे हुआ, इस दौरान विद्यालय के छात्रों को कई सहगामी क्रियाएं कराई गई, ठीक है, देखिए इतना काफ़ी है, आपने, मैंने आपको जितना बताया उतना आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें पहला क्या है, प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा भी एक क्या है बच्चों, एक सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। अब इससे क्या होता है, मैं स्कूल समय पर पहुँच के सामूहिक प्रार्थना हेतु छात्र को निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित प्रतिबद्ध करता था और सुबह की प्रार्थना सभा करवाता था, इससे बच्चों में संगठित व सहयोग की तथा मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास होता था। प्रार्थना सभा के साथ साथ मेरे द्वारा सामूहिक शारीरिक व्यायाम भी करवाया जाता था। बाल्य सभा में मैं अन्य शिक्षक गणों के साथ साथ समन्वय स्थापित करते हुए सप्ताह के अंत एवं माह के अंतिम कार्य दिवस पर बाल्य सभा अंताक्षरी का आयोजन करवाता था, इससे छात्रों को दो समूहों में बांट दिए जाते थे और अपनी बारी से वर्णमाला शब्द में मीनिंग तथा गीतों के माध्यम से अंताक्षरी का आयोजन करवाते थे तथा साथ ही यह सुनिश्चित करते थे कि इसमें प्रत्येक बालक सक्रिय भाग ले और अपनी प्रतिभा क्या करे, उजागर करे। तो ये क्या है, आपने कराया। अब आगे आपने आगे लिखा कि अंताक्षरी से बालकों में शैक्षिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक गतियों गीतों के माध्यम से
माध्यम से विकास होता है। इसके अलावा छात्र आत्मविश्वास संप्रेषण मतलब यू नो एक एक वो कम्युनिकेशन पावर उनके अंतर्गत आता है, उनके अंदर से डर भय ये शर्म ईर्ष्या ये सारी चीज़ें निकलती हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे एक लास्ट निष्कर्ष देने के बाद, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। निष्कर्ष ये है बच्चों कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के मानवीय सामाजिक राष्ट्रीय राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवहारिक व्यक्तित्व चरित्र मूल्यों के निर्माण में अति उपयोगी साधन के लिए प्रस्तुत होती हैं। छात्रों को जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विशेष महत्व है। शिक्षा में तेजी से बेहतर करने के लिए इस इच्छा के एक चिंताजनक स्थिति में उत्पन्न कर की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की कर सूची में भी गुणवत्तापूर्वक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं को की लड़कियों को जीवन उपयोगी कौशल का प्रशिक्षण देना भी शामिल है। तो लास्ट में आपने इसको एंडिंग करना है, देश के नागरिकों के रूप में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए मूल्य आधारित शिक्षा भी आवश्यक है हो गई है, जिससे स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर मूल्य सिखाकर उनका पोषण कर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लास्ट में आपने एंडिंग कर दिया कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं कितने इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे बच्चों, एंडिंग कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको लिखना कैसे। मैंने आपको टॉपिक बताया, पॉइंट बताया, समझ में आ गई, कोई इतना नया नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वन बाई वन इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने आपको यहाँ पर थोड़ा सा गायब कर दूँ, क्या गायब नहीं करता हूँ, चलो यहाँ पर छोड़ा। चलो तो आ जाते हैं पेज नंबर वन पे। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत, आप ऐसे छाप के आइए, मैं ये जो मैंने ये हुआ ना उसको हटा देता हूँ। चलो बच्चों, तो आपने ये आप पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया। कर लिया ये फैसला, यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है आपका। चलिए पूरा चल, अब बाकी मैं इसका पीडीएफ जो है ना, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम वालों को भेज दूंगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप वालों को भी भेज दूंगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत अच्छा अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया आपने, बहुत अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। ठीक है, बाकी वीडियो आप देखते चलिए, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया आपने लाइक, क्या कर रहे हैं भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से लाइक करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत अच्छा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा पेज आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें वैसा कुछ नहीं है भाई, लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिखिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं पीडीएफ तो टेलीग्राम वाले ना भी लें मतलब मैं भेजूंगा, पक्का भेजूंगा, व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके बहुत अच्छी बात, और आप अच्छे से लिख दीजिएगा इसको, जैसे पॉइंट दे के बताया गया वैसे लिख दीजिए, टीचर भी खुश हो जाएगा, कहेगा वाह क्या पॉइंट लिखा है बच्चे ने। चलिए ये लास्ट होगा, सेकेंड लास्ट होगा, चलिए इसको यहाँ से ले लीजिए। आउटडोर में क्या है, आउटडोर तो खुद से भी लिख सकते हैं, जो भी है लिख दीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और बाकी इनडोर भी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए यहाँ पे प्रार्थना सभा जो आपने कराया वो ले लीजिए, और ये लास्ट पेज हमारा निष्कर्ष, निष्कर्ष ले लीजिए। बाकी आप थोड़ा बहुत यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं केवल ऊपर और लास्ट के लिए, बाकी बीच का तो बिल्कुल वैसे लिखना है, और मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ भैया, वरना आप लोग भी कहोगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में बताना है, लाइक करना है वीडियो को, नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करके तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। पूरे वीडियोस में मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ यार, अभी टाइम देखोगे ना आप लोग, टाइम देखे कितना बज रहा है, 2:28, 2:30 मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, बट मेरी खुशी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, बट मैं बनाऊँगा। आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों तक शेयर कर लीजिएगा। बाकी आपको नेक्स्ट किस पॉइंट पे चाहिए फाइल आपको वो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसमें बनाऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सब खैर शुभ रात्रि, रात्रि तो है अगर आप सुबह देख रहे हैं तो, हैप्पी डे, क्या कहते हैं, गुड डे, जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिए खूब अपना, पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।